हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हरियाणा में नई भर्ती निकली है, बिना एग्ज़ाम ये नौकरी मिलेगी। इसके अंदर टोटल 97 पद हैं और दोस्तों स्पेशल लोगों की स्पेशल भर्ती है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए भर्ती है। यदि आप इस भर्ती के बारे में डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों यदि आप HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए करण कौशिक सर का कंप्लीट कोर्स अपने ऐप पर स्टार्ट हो चुका है। 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है और 11 तक ही दोस्तों आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ये कोर्स मात्र 888 रुपये में, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट होंगे, 500 घंटे का NCERT बेस्ड पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, हिसार में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, जींद, कैथल, करनाल, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, यहाँ पे ये भर्ती निकली है। अलग अलग से कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं, कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा पंचकूला, वॉलंटियर जेल वार्डरों के पदों पर यह भर्ती है। दोस्तों एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती निकाली गई है, अनुबंध आधार पर यह भर्ती है, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक है या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए एक तय मानदेय, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, 97 भूतपूर्व सैनिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को निम्नलिखित निबंधों और शर्तों पर लिया जाएगा। इसके अंदर क्या है, एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जो लोग हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच हो, तो उन्हें जिन्हें अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अवस्था के कारण ना निकाला गया हो, वे पात्र होंगे। एज कितनी है, 25 से 50 साल है। दोस्तों इस तरह की वॉलंटियर जेल वार्डन अनुबंध आधार पर केवल एक वर्ष की अवधि या नियमित उम्मीदवार के कार्य ग्रहण की तिथि जो भी पहले हो के लिए ले जाएंगे। 18,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी, ठीक है, और बैंक खाते में आपकी ये सैलरी आपको दी जाएगी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिए, वॉलंटियर जेल वार्डरों को भर्ती के समय 2 जोड़ी वर्दी, 1 जोड़ी जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधित वस्तु के लिए 3,000 रुपये साल में एक बार दिए जाएंगे, ठीक है। किसी सरकारी दौरे पर यदि जाओगे तो सरकार आपको 150 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, TA/DA भी अलग से देगी। उसके बाद में दोस्तों वॉलंटियर जेल वार्डरों को आकस्मिक अवकाश, जो हरियाणा जेल विभाग के जेल वार्डरों के लिए लागू है, प्रदान किया जाएगा। वह निम्नलिखित अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होंगे। यदि ड्यूटी के दौरान दोस्तों कोई एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपये, यदि अपंग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं तो 1 लाख से 3 लाख, और गंभीर चोट लग जाती है तो 1 लाख रुपये तक आपको क्या है, आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें आपकी कोई भी लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं होगी, परंतु निम्नलिखित शर्तों की पालना की जाएगी। सेना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सेवा कम से कम 5 वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सेवानिवृत्त के समय चिकित्सा ए श्रेणी होनी चाहिए। सेवानिवृत्त के समय चरित्र प्रमाण पत्र अनुकरणीय प्रकोष्ठ परिष्कृत होना चाहिए, ठीक है। इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने साथ मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र साथ में लेके जाने पड़ेंगे, फोटोकॉपी साथ में लेके जाने पड़ेगी, ठीक है जी। और 4 पासपोर्ट साइज़ के आकार के फ़ोटो भी आपको इंटरव्यू के दौरान साक्षात्कार हेतु साथ में लेके आने पड़ेंगे। और इंटरव्यू 20/6/2021 को सुबह 10 बजे पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 97 वैकेंसी है। आप जिला वाइज अलग अलग से देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग से देख सकते हैं। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी परीक्षा आपकी नहीं ली जाएगी, ठीक है। और 18,000 रुपये सैलरी है। शुरू में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, यदि ज़रूरत पड़ी तो इनका आगे का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। जेल वार्डरों की ये भर्ती है, ठीक है। तो ये अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई है। और दोस्तों रेगुलर यदि आप जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो साथी HSSC CET का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ कोर्स स्टार्ट हो चुका है करण कौशिक सर के द्वारा।
जिस पे 11 जून तक स्पेशल ऑफर चल रहा है। 11 तारीख से ही आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर एक कोर्स आपका अवेलेबल है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऐप पर, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।